हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो लोग मेरी लास्ट वीडियो फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने लास्ट में क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था और ये हमारी सीरीज चल रही है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की। सो अब देखिए, हम लोगों का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है लिमिटिंग केस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम लोग लिमिटिंग केस लेते हैं तो वो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ये हमें बताना है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए, बुक में हमें गिवन था कि एक्स हमारा कोई भी रैंडम वेरिएबल है जो कि फॉलो करता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन को विद पैरामीटर लैम्डा। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल पैरामीटर के केस को स्टडी कर रहे हैं। तो सिंगल पैरामीटर का केस में अगर आप लोगों को याद हो तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो था वो भी हमारा लैम्डा था एंड वेरियंस ऑफ एक्स जो था वो भी हमारा लैम्डा था। तो अगर आप इसी एक्सपेक्टेशन को म्यू मान लो और इस वेरियंस को आप लोग सिग्मा स्क्वायर सपोज कर लो, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि आप लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट फाइंड करो तो या फिर स्टैंडर्ड गामा वेरिएट फाइंड करो, तो आप लोग कैसे फाइंड कर पाओगे? देखिए, हम लोगों ने अभी तक तो जो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने सिंपल एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते थे, देन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग निकालते थे जिसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते थे। अब यहां पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं गामा डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर मैं आपसे कहूं कि स्टैंडर्ड गामा वेरिएट फाइंड करो तो उसको भी आप लोग जेड से रिप्रेजेंट करोगे और उसका जो फॉर्मूला कह सकते हो या वैल्यू कह सकते हो तो वो क्या होती है, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। इसका मतलब जो भी वेरिएट है जो कि गामा को फॉलो कर रहा है उसमें से हम लोग उसके मीन को माइनस कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से। देखिए, ये तो है इसका वेरिएंस, बट स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो जब अंडर रूट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा। तो ये आ गया है इसका स्टैंडर्ड गामा वेरिएट। तो स्टैंडर्ड गामा वेरिएट जब यहाँ से हम लोग वैल्यूज रख देंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस लैम्डा अपॉन अंडर रूट लैम्डा। सो अब देखिए, हमें इसके लिमिटिंग केस को फाइंड करने के लिए हम हेल्प लेंगे एमजीएफ की। हम लोगों को देखिए पता है एमजीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे इस वेरिएबल का। तो देखिए, इसको लिख देंगे हम लोग एमजेडटी। तो एमजेड, अब जेड की वैल्यू हमारी क्या है, एक्स माइनस लैम्डा अपॉन अंडर रूट लैम्डा देन टी। अब देखिए यहां से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ई टू द पावर टी एक्स होता था। अब देखिए टी, बट एक्स की जगह पे हमारा ये पूरा टर्म है तो उसकी जगह पे हम लोग ये लिख देंगे एक्स माइनस लैम्डा अपॉन अंडर रूट लैम्डा। अब देखिए यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग इन वैल्यूज को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ई टू द पावर ई टू द पावर टी एक्स अपॉन में अंडर रूट लैम्डा देन ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन में अंडर रूट लैम्डा। तो देखिए, ये इन वैल्यूज को हमने कर लिया है सेपरेट। तो यहां से अगर देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x वाला जो टर्म की वैल्यूज हैं वो हम लोग यहाँ पे ही रोक लेते हैं, बट जो e टू द पावर में ये है हमारा, इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टी अंडर रूट लैम्डा। देन अगेन इसको अगर हम लोग देखें तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ, एक्सपेक्टेशन और e टू द पावर, अगर मैं इसको एक साथ कर लूं, टी अंडर रूट में लैम्डा देन यहाँ पे एक्स। ओके, तो देखिए जैसे हम लोग अपने जब वो देखिए एम एक्स टी को जब हम लोग ओपन करते हैं तो क्या लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन ई टू द पावर टी एक्स, इस तरह से हम लोग ओपन करते हैं। अब इसी को हम लोग इस रिवर्स फॉर्म में लेके जाएंगे। आप मान लीजिए कि ये इस तरह से लिखा है, इसको अगेन हम लोग को एम एक्स टी के फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम लोग देखिए किस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा e की पावर माइनस टी रूट लैम्डा, ये हो जाएगा एम एक्स टी, बट टी की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टी अपॉन अंडर रूट में लैम्डा। अब देखिए, आप लोगों को पता है कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन का जो एमजीएफ होता है वो क्या होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख दे रही हूँ, एम एक्स टी इज इक्वल टू वन माइनस टी टू द पावर माइनस लैम्डा। ये आपका होता था गामा डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ विद सिंगल पैरामीटर। बट यहां से अगर हम कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे एम एक्स टी के लिए होता था, बट यहाँ पे एम एक्स टी बाय रूट लैम्डा के लिए है। तो यहाँ पे देखिए जहां पे भी टी है वहां पे हम टी अपॉन रूट लैम्डा को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस टी रूट लैम्डा, और यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे वन माइनस टी अपॉन रूट लैम्डा की पावर माइनस लैम्डा। अब देखिए ये है हमारा क्या, एम जेड टी है, एम जेड टी। तो देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर इसके दोनों ही तरफ लॉग ले लें, तो अगर इसमें हम लोग दोनों साइड लॉग ले लेते हैं तो ये हो जाएगा लॉग एम जेड टी। और आप लोगों को पता है कि जब हम लोग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पे लॉग लेते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता है क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो के जेड टी हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए जब यहां पे हम लोग लॉग ले लेंगे तो वो आ जाएगा माइनस टी रूट लैम्डा, देन जब यहां पे लॉग आएगा तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा लॉग वन माइनस टी
देन अपॉन में लैम्डा। तो अब आप लोगों को वन लॉग वन माइनस एक्स का एक्सपेंशन पता है, एक्स आप लोग इस टर्म को मान सकते हो, तो यहां से आप लोग को ये टर्म को एक्सपेंड करना होगा। तो देखिए मैं यहां से इसको कर दे रही हूँ माइनस टी अंडर रूट लैम्डा, देन माइनस लैम्डा है, तो देखिए जब माइनस होता है तो सारे ही टर्म्स आपके माइनस में होंगे, तो ये हो जाएगा माइनस टी रूट लैम्डा, देन माइनस टी स्क्वायर, यहां से सिंपल आ जाएगा लैम्डा और अपॉन में टू, देन यहां से आपका ये हो जाएगा क्यूब में, दैट मीन्स टी रूट लैम्डा और ये हो जाएगा इसका क्यूब अपॉन में थ्री, देन माइनस अप टू डॉट डॉट डॉट, यहां से और आगे टर्म्स आपके चलते चले जाएंगे। तो अगर इस माइनस को आपको अंदर भेजना है तो देखिए सारे टर्म्स आपके प्लस में हो जाएंगे, माइनस टी रूट लैम्डा देन प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जब आप इसको भेजोगे तो ये हो जाएगा लैम्डा टी देन अंडर रूट लैम्डा, देन जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा आपका प्लस में लैम्डा टी स्क्वायर अपॉन टू लैम्डा, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देन ये आपका हो जाएगा प्लस में लैम्डा बाय थ्री टी अंडर रूट लैम्डा क्यूब देन प्लस अप टू सो ऑन। तो यहां से अगर आप लोग देखो ये आपका हो जाएगा माइनस टी रूट लैम्डा, देन ये हो जाएगा प्लस का टी, ये भी आपका हो जाएगा रूट लैम्डा, देन प्लस टी स्क्वायर बाय टू प्लस। अब देखिए जो आगे वाले टर्म हैं उनको हम लिख सकते हैं, जो भी यहाँ के टर्म होंगे वो आपके किस में आने वाले हैं, वो आपके आएंगे लैम्डा की पावर में, मतलब कि ऑर्डर ऑफ लैम्डा आएगा, तो ऑर्डर ऑफ लैम्डा टू द पावर, अगर आप लोग न्यूमरेटर में ले जाके लिखना चाहोगे तो माइनस हाफ, मतलब लैम्डा की पावर माइनस हाफ के जो जो टर्म्स हैं वो आएंगे, या फिर आप लोग वन अपॉन लैम्डा करके भी ऐसा करके लिख सकते हो। तो आगे देखिए वो टर्म्स आने वाले, तो यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं तो ये दोनों टर्म तो देखिए आगे के आपके कैंसिल आउट ही हो जाने वाले हैं। तो यहां से आप लोग ये चीज देख सकते हैं कि ये है आपका लॉग एम जेड टी इज इक्वल टू के जेड टी प्लस टी स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, और यहाँ पे आपके हैं सारे ऑर्डर किसके, लैम्डा की पावर माइनस वन बाय टू के। अब देखिए हमें निकालना है लिमिटिंग फॉर्म इसका, तो देखिए उसके लिए हम लोग यहां से क्या करने वाले हैं, हम लोग यहां से ले लेंगे लिमिट लैम्डा इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट लॉग एम जेड टी इज इक्वल टू, जब यहां भी हम लोग देखिए लिमिट अप्लाई करेंगे लैम्डा स्टैंडिंग टू इनफाइनाइट, तो वो सारे ही टर्म्स आपके जीरो हो जाएंगे, और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। तो अगर देखिए फाइनली इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें तो यहां से हमारा आ जाएगा एम जेड टी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ई की पावर में, तो ई की पावर में हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ई टू द पावर टी स्क्वायर बाय टू। और अगर आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से देखो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो है तो ये क्या है आपका, ये आपका एमजीएफ है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का। तो यूनिकनेस थ्योरम ऑफ एमजीएफ कुछ होती है जो कि हम लोगों ने पढ़ी थी अपनी लास्ट वीडियो में, तो एमजीएफ थ्योरम की जो यूनिकनेस थ्योरम होती है वो ये कहती है कि अगर ये आपका किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ हो रहा है, इसका मतलब कि वो उसी डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ होगा, वो और किसी डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ नहीं हो सकता है। इसका मतलब अगर ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ है, दैट मीन्स कि जो हमारा गामा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो लिमिटिंग केस है वो हमारा किसको फॉलो कर रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये हो जाता है कि हम यहां से बोल देंगे कि एज लैम्डा टेंस टू इनफाइनाइट देन गामा डिस्ट्रीब्यूशन टेंस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग देखिए आईएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस पॉइंट को डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं कि लैम्डा का जो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, और अगर आप लोग ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो इसका ये जो प्रूफ है ये आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख सकते हैं। देखिए अगर मैं सिमिलर केस पे बात करूं तो अगर देखिए जो भी एग्जाम्स में आता है वो आपका हमेशा टू पैरामीटर के लिए होता है, तो यहां से आप लोग मान सकते हैं कि अगर एक्स आपका कोई भी रैंडम वेरिएबल है जो कि आपका फॉलो करता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन को विद पैरामीटर, आप लोग अल्फा लैम्डा या ए लैम्डा आप लोग कुछ भी ले सकते हो, तो उसका देखिए जो एमजीएफ होता है तो उसको हम लोग लिखते हैं वन माइनस टी अपॉन अल्फा टू द पावर माइनस का लैम्डा। तो देखिए इस एमजीएफ के लिए भी आप लोग यहां से के वन की और के टू की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो, तो देखिए वो आप लोग किस तरह से फाइंड करोगे। तो अब आप लोगों को देखिए ये पता है कि हम लोग kxt कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए देखिए हम लोग दोनों तरफ नहीं, हम लोग log ले लेते हैं किसका, mxt का, तो log ऑफ mxt लेते हैं, तो log ऑफ mxt जब लेंगे तो 1 माइनस टी अपॉन अल्फा टू द पावर माइनस लैम्डा हो जाएगा, एंड लैम्डा आपका जब आगे आ जाएगा उसके बाद log 1 माइनस x वाला एक्सपेंशन आप लोग यहां पे जब करो खोलोगे तो यहां पे देखिए आ जाएगा लैम्डा
टी अपॉन अल्फा देन हाफ देन टी अपॉन अल्फा स्क्वायर देन 1/3 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा टी अपॉन अल्फा क्यूब देन प्लस अप टू सो ऑन। इस वाले टर्म को आप लोग खुद से एक बार एक्सपेंड करना, बिकॉज ये हम लोग ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऐसे बता रही हूँ। अब देखिए यहां से अगर आप लोगों को निकालना है क्या, आप लोगों को निकालना है मीन, तो देखिए मीन का मतलब क्या होता है, म्यू वन डैश, और म्यू वन डैश किसके बराबर होता है, के वन, और के वन हम लोग यहां से कैसे निकाल सकते हैं, कोफिशियंट ऑफ टी अपॉन वन फैक्टोरियल। तो टी अपॉन वन फैक्टोरियल को अगर आप लोग यहां से देखोगे तो टी अपॉन वन फैक्टोरियल का जो कोफिशियंट है वो आपका क्या आने वाला है, वो आपका आने वाला है लैम्डा अपॉन अल्फा। तो ये हो जाता है आपका मीन। और अगर यहीं से मैं आपको वेरियंस की बात बोलूं, वेरियंस होता है आपका म्यू टू, म्यू टू का मतलब होता है के टू का मतलब होता है कोफिशियंट ऑफ टी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। तो इस वाले ये जो सीरीज है यहां से आपको दिख रहा है कि ये है आपका टी स्क्वायर, अब आपको टू फैक्टोरियल है तो टू फैक्टोरियल आप इसको बना सकते हो। तो यहां पे भी आप लोग देख सकते हो कि ये जो आपका है, तो यहां से आपका जो वेरियंस है वो आपका क्या आ रहा है, वो आपका आ रहा है लैम्डा अपॉन अल्फा का स्क्वायर यहां से, बिकॉज यहां पे ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है। तो यहां से आप लोग कह सकते हो ये आपका किसके बराबर है, यह आपका है मीन अपॉन अल्फा, मीन अपॉन अल्फा की वैल्यू उसके बराबर है। तो इस जगह से आप लोग एक कंक्लूजन और निकाल सकते हो, बिकॉज आईएसएस के एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन का मीन ग्रेटर होता है या फिर उसका वेरियंस ग्रेटर होता है। तो देखिए यहां से आपके कुछ केसेस निकलते हैं, और देखिए वो केसेस क्या निकल के आते हैं तो मैं आपको इस पेज पे करके बताती हूँ। देखिए अगर यहां से आप लोग देखो, अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन वन है, फर्स्ट केस के लिए अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन वन हो रही है तो जो भी इसका वेरियंस है, वेरियंस आपका ग्रेटर होगा मीन से। ये जो आपका वेरियंस आ रहा है ये आपका ग्रेटर हो जाएगा मीन से, ये आपका पहला केस हो जाता है। और सेकंड केस आपका क्या है, सेकंड केस आपका ये है कि अगर अल्फा जो है वो आपका इक्वल टू वन है, तो अल्फा इक्वल टू वन है तो आपका जो मीन होगा वो आपका वेरियंस से इक्वल हो जाएगा। एंड थर्ड केस देखिए आपका ये है कि अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन वन है, अगर आप लोग अल्फा को सॉरी लेस तो हम लोग ले चुके हैं, अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो यहां से जो वेरियंस होता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का वो लेस हो जाता है मीन से। तो ये तीन कंडीशंस आपको याद रखनी है, अगर आप लोग इसको याद रखोगे तो एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी और बहुत ज्यादा टाइम भी बच जाएगा। सो आई होप आज का वीडियो, आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आने वाली वीडियोज के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।